हे गाइस वेलकम बैक टू टीकेस टमरो मकसद टेनिक्स। तो गाइस आपका बहुत ज्यादा स्वागत है एक और नई धमाकेदार सी वीडियो में। तो गाइस आज हम खेल लेते हैं राइजियो गेमिंग का 1v1v1v1 टूर्नामेंट। और गाइस ये था रेस टूर्नामेंट। और गाइस भाई पहले मैं ये जानना चाहूंगा इस भाई ने मैप कौन सा लगाया। भाई ये वाला मैप मैं अपनी जिंदगी में पहली बार खेल रहा हूं। आईसी हाइट खेला था, लग रहा है उसके पापा भेज दिए आईसी हाइट के। भाई मेरे को कुछ नहीं पता, मैं जब भी सबसे आगे चल रहा था। और गाइस यहां मेरे साथ स्कैम भी हुआ था। और गाइस मतलब भाई ये कैसा मैप है, मतलब मैं फर्स्ट टाइम खेला है वाला मैप। और भाई मेरे को पता नहीं है, यहाँ मैं ठुक गया और वो दोनों आगे निकल गए। वैसे ही चार में से बस तीन बंदे आए थे और अब उसमें भी दो क्वालिफाई होंगे। गाइस यहाँ मैंने भी मतलब मैं हार गया गाइस। गाइस यहाँ कुछ पता ही नहीं था, मैं ठुक गया गाइस, फर्स्ट टाइम खेला था। और गाइस ये वाला मैप मैं ऑलरेडी खेल चुका हूँ बीस्ट ओलंपियाड वाले इवेंट के अंदर। तो गाइस इस मैप का मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया था। तो गाइस मैंने सोचा कि मैं जाऊँगा लेफ्ट से, क्योंकि गाइस मैं तब भी लेफ्ट से गया था तो मैं थोड़ा आगे निकल गया था जब मैंने इवेंट में खेला। तो गाइस मैंने सोचा चलो यहीं से जाएंगे। और गाइस वो मैं बिल्कुल वो हो चुका था गाइस, क्योंकि मेरे को आइस वाला मैप खेलना आता ही नहीं था। और गाइस वहाँ पे फ्रेस टू का गाइस मैं फर्स्ट राउंड था। गाइस मैं आपको फ्रेस टू से ही दिखा रहा हूँ। और गाइस ये है फ्रेस टू का सेकंड राउंड। और गाइस यहाँ गाइस मैंने अच्छी खासी लीड ले ली थी। और गाइस मेरे को लग रहा है मैं सबसे आ गई हूँ इस गाइस में, सबसे आ गया हूँ। बट गाइस यहाँ मैंने हक दिया। और गाइस अब मैंने सोच लिया था इस क्रैब के ऊपर तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर पानी भी नहीं होता इसके नीचे तब भी थोड़ा सा पानी रहता है और मैं उसमें डूब जाता हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ा लेट होगा पर मैं यहाँ से जाऊँगा। और गाइस यहाँ पर मैंने रिक्स लेकर सीधे जब पानी था तभी मैं गया। और गाइस मैं क्वालिफाई कर लिया अपना सेकेंड राउंड। और गाइस ये आ गया हमारा थर्ड राउंड फिर से आइस वाला। और गाइस ये बड़ा खतरनाक मैप है। और गाइस इसके अंदर बस हम तीन जने आए थे तो दो क्वालिफाई होने थे। मैं सोचा अब इसमें तो मैं नहीं हकूँगा, इससे तो मैं क्वालिफाई कर ही लूँगा गाइस, क्योंकि गाइस अब थोड़ा बहुत तो पता चल गया गाइस कैसे खेलना है। एक बार ही मैं हक दिया था तो अब तो पता चल गया वो भाई क्या निशान पे बनाना मारा भाई का, मैं फ़ैन हो गया। और गाइस अब वो एक बंदा तो पीछे ही है तो मैं थोड़ा टेंशन फ्री था, क्योंकि दो लोग क्वालिफाई होंगे। और गाइस में पॉइंट सिस्टम है नहीं, सबको एक एक पॉइंट ही मिल रहा है। और गाइस यहाँ मैं सोच रहा था ऊपर से जाऊँ, की बार जैसे पिछले मैच में गए थे लोग और इसमें भी गए हैं वो आगे वाला बंदा, पर गाइस मेरे ऊपर से सोच रहा मैं गिर जाऊँगा तो मैं नीचे से ही चला गया। और गाइस यहाँ इतनी देर में क्वालिफाई भी लिखा आया गाइस, मैं ये सोच रहा था क्योंकि इसमें तो एकदम आ जाना चाहिए। और गाइस ये आ चुका था हमारा फोर्थ राउंड। और गाइस ये फिर से आ गया गाइस ये वाला मैप। गाइस मेरे को बिल्कुल राइट में स्पॉन थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं राइट से जाऊँ। और गाइस ये वाला बंदा ने कैसे मेरे से लीड ली मेरे को अभी तक समझ नहीं आया। और भाई मैं तो घबरा ही गया था कि ये बंदा क्या करना चाह रहा। और भाई एक बंदे ने हक दिया। और गाइस हम इसके अंदर पता नहीं गाइस चार बंदे आए थे या तीन बंदे आए थे, पर गाइस इतना पता है वाला मैच तुम्हारा भाई निकाल ही लेगा। नो गाइस यहाँ था तुम्हारे भाई ने हक दिया। और भाई यहाँ पे एक बंदा आगे था और गाइस एक बंदा मेरे आगे अब निकल गया। और गाइस यहाँ आगे ही आगे जा रहे हैं, पता नहीं गाइस क्या हो रहा है। अब तो गाइस क्वालिफाई करने की उम्मीद बची है नहीं, क्योंकि दो बंदे बहुत ज़्यादा आगे हैं। और गाइस अब कहाँ से क्वालिफाई कर पाएंगे। और गाइस एक बंदे ने हक भी दिया तो गाइस अब मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ, क्योंकि तीन बंदे आए थे मेरे को मिलाकर, एक ही आगे एक हीरा। और गाइस यहाँ हम दोनों साथ में कूदे, पर गाइस देखिए किस्मत ही बढ़िया नहीं है गाइस, क्या कर सकते हैं। तो गाइस वहाँ दो बंदे जीत गए। और गाइस हम अभी बस चार में से दो ही जीते। और आ चुका हमारा फिफ्थ राउंड। और गाइस अब की बार इन्होंने मेरे को स्पॉन लेफ्ट में दी, जिससे मैंने सोचा लेफ्ट से जाते हैं। और गाइस ये थोड़ा खतरे में था मैं फ्रेस थ्री में, क्योंकि मैं चार में से दो तो हार ही गया। और गाइस अब टॉप 32 प्लेयर जाएंगे तो गाइस थोड़ा ढंग से अब खेलना पड़ेगा। कम से कम छः पॉइंट तो छः जिन सात गाइस छः वाली भी कभी कभी नहीं जाते, सेवन तक तो चाहिए ही पॉइंट। तो गाइस मैं सोच रहा था अब बचे हुए सभी जीतेंगे, एट पॉइंट करेंगे। और गाइस यहाँ मैं फिर से ठुक गया। और गाइस मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी मैं क्वालिफाई करूँगा, देखिए ठुके ही ठुके जा रहा हूँ। और गाइस फिर भी हार गया। और गाइस पाँच में से बस दो ही राउंड करे थे, बहुत ज़्यादा टेंशन की बात थी गाइस मेरे लिए। और गाइस यहाँ पे गाइस फिर से गाइस वही आए थे, सिर्फ और सिर्फ तीन बंदे ही आए थे। और गाइस ये वाला बंदे ने भी वाली ट्रिक करी और गाइस ये भी लीड में आ गया। तो गाइस पर गाइस मैं वाली ट्रिक नहीं कर रहा था, गाइस कहीं मैं वाटर में गिर जाऊँ और गाइस फिर दिक्कत हो जाए बाद में, इसलिए गाइस मैं रिक्स ही नहीं ले रहा था। और भाई यहाँ पे दोनों बंदे मेरे से हल्की सी आगे थे। और गाइस यहाँ मैं सोच रहा था एक कर कोई पीछे हो जाए, गाइस इस वाले ने हक दिया। तो गाइस अब मैं सोच रहा था अब तो आराम से जाएंगे बिल्कुल बिना आगे। और गाइस यहाँ पे वो वाला बंदा तो ठीक ठाक आगे था मेरे से, और गाइस ये वाला मैं निकाल लिया मैच। और गाइस हम कर चुके थे छः में से तीन मैच क्वालिफाई। और गाइस आ चुका था हमारा सेवंथ राउंड। और गाइस ये वाले राउंड से मेरे को देखती कुछ अच्छी सी फीलिंग नहीं आती। और गाइस जिस स्किन से मैं खेल रहा हूँ गोल्डन जिम्मी इस गाइस या फिर गाइस गोल्ड जिम्मी, तो गाइस वाली स्किन अगर आपने अभी तक क्लेम नहीं करी तो गाइस जाके कर लीजिए। बस आपको बीस्ट ओलंपियाड इवेंट में वन चांस खेलनी है। और गाइस आप ये वाली स्किन आराम से ले सकते हैं, बस वन चांस खेल गई
ये जो स्पेशल स्किन है, वैसे कहीं सब पे एक ना एक स्पेशल स्किन होती है, मेरे पास तो गाइस 15 या फिर 16 है। और गाइस अगर आपके पास एक भी नहीं है तो गाइस आपके लिए बहुत अच्छा चांस है कि स्पेशल स्किन गेन करने का। और गाइस अगर मैं सोचता मैं अभी आज ऊपर से ही जाऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए, और गाइस ऊपर की ट्रिक गाइस वर्क करी, और गाइस यहाँ मैं डर गया था क्या हुआ भाई वहाँ पर। और गाइस यहाँ पे गाइस मैं इसके बारे में कह रहा था इतनी देर में कि क्वालिफाई लिखा आया। और गाइस यहाँ अब कर चुके थे गाइस 7 में से 4 मैच, और गाइस अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया गाइस मेरे को। और गाइस अब बस 3 मैच बचे थे, 8th 9th 10th, तो गाइस हमने सोचा था इन तीनों को भी निकाल लेते हैं, 7 पॉइंट पर आराम से करेंगे गाइस क्वालिफाई। और गाइस यहाँ मैं पूरा तेज भाग रहा था, और गाइस काश ये बंदा बोल रिमोट अलाउ कर देता या पंच अलाउ कर देता या किक अलाउ कर देता, इन्हें बस बनाना रिमोट को अलाउ करा और किसको अलाउ ही नहीं करा। और भाई यहाँ पे एक बंदा ही मेरे से आ गया था, मैं सोचा ये वाला मैच भी निकालेंगे मस्त एकदम आराम से। और भाई ये वाला बंदा तो गाइस पूरा तकड़ा जा रहा है, मैं थोड़ा रुक रुक के जा रहा था, ये बंदा बिना रुके और बिना हगे जा रहा था। और भाई यहाँ पे तुम्हारा भाई आ गया बहुत आराम से, गाइस यहाँ जंप मारी और गाइस आराम से क्वालिफाई। और गाइस अब तुम्हारा भाई कर चुका था 8 में से 5 मैच क्वालिफाई, तो गाइस कोई टेंशन थी नहीं, अब 2 मैच बचे उन्हें भी बड़ी आराम से निकालेंगे। और भाई अब की बार ने मेरे को राइट में खड़ा करा, और भाई वहाँ मेजोरिटी गाइस 3 जनों को कर दिया लेफ्ट में खड़ा, तो गाइस मैं सोच रहा था कहीं मैं ना हार जाऊँ। और भाई यहाँ देखो मेरे को बॉल लगी, मैं सोच रहा था अभी तक कोई बंदा आया क्यों नहीं, तो जब मैंने आगे देखा भाई तीनों के तीनों बंदे आके निकल गए। भाई ये मेरे को बहुत बुरा लगा कि मैं सबसे लेट हो गया, अब तो कोई उम्मीद ही नहीं है क्वालिफाई करने की। और भाई इस वाले मैच के अंदर क्या लगता है हम बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं करेंगे भाई, काश वाली ट्रिक मेरे को शुरू के एक दो राउंड में पता चल जाती ऊपर से जाने वाली, तो मैं उन्हें हारता नहीं बिल्कुल भी। और भाई ये वाला राउंड तो गाइस पक्का हार नहीं था, और क्या कर सकते थे। अब गाइस आ चुका था हमारा लास्ट राउंड ऑफ रेस टू गाइस 10th राउंड, और गाइस ये वाला मैच गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट था, गाइस 5 ही मैच करे हैं, 5 मैच में गाइस 50-50 है जाना और नहीं जाना, गाइस 6 राउंड तो गाइस चाहिए ही चाहिए। तो गाइस मैं सोचा काश वाले राउंड में कर लूँ क्वालिफाई, और गाइस ये बंदे ने हगा, उससे मेरे को काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया क्योंकि मेरे से आगे बस ये 2 बंदे ही थे, इनमें से कोई एक ना एक तो गाइस खा ही देगा। और गाइस मैं इसे थोड़ा ढंग से ही खेल रहा था, बट गाइस देखिए जो एक बार ही पता नहीं क्या है गाइस मैग्नेट लग दिया गया इसके पैरों में सीधे के पानी में चला जाता है, लगा इस पानी मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करती, बट गाइस ये वाटर और इसके पैरों में कोई चल रहा है कनेक्शन जिससे ये बार बार खींच लेता है इसको पानी में। और गाइस अब तो गाइस क्वालिफाई करने कोई उम्मीद ही नहीं थी, दोनों बंदे इतने ज़्यादा आगे चले गए हैं। और गाइस अब हम मारे हैं बस 5 पॉइंट, और गाइस ये है बहुत टेंशन की बात कि 5 पॉइंट वाले तो दूर दूर तक दिखते तक नहीं है। गाइस पर पोजीशन उन्होंने मेरे लिए रखे थे 22, तो गाइस मैं हैरान था टॉप 32 में, और गाइस 8 मिनट बची थी फ्रेश 3 स्टार्ट होने में, तो गाइस अब मैं थोड़ी छानबीन कर रहा था कि क्या होगा, क्या मैं जा पाऊंगा कि नहीं। गाइस 22 ही है गाइस पोजीशन 5 पॉइंट पर मेरी, तो गाइस अभी तो पोजीशन 22 ही थी, तो गाइस अभी इन्होंने मेरी पोजीशन कर दी है 29, और गाइस पता नहीं जब तक टाइम खत्म होगा मेरे को 33 ना कर दें। और गाइस अब देखते देखते पोजीशन होगी 30, और गाइस अब भी 5:30 और गाइस 5 मिनट्स 30 सेकंड बची थी, और गाइस अब बिल्कुल गले में सांस अटक चुकी थी क्योंकि पोजीशन है 32। और गाइस इन्होंने मेरे को 5 मैच वालों में सबसे एंड में रखा है, गाइस ये पता 21 से स्टार्ट हो रहे हैं 5 वाले, सबसे एंड में गाइस 32 पे रखा है इनने मेरे को। और गाइस यहाँ मैं सोच रहा था अब तो गए गाइस क्योंकि अभी 3 मिनट्स बची थी, मैं बता था 33 मेरी पोजीशन जरूर ही कर देगा, बट गाइस अब टाइम ओवर हो गाइस मेरी पोजीशन 32 ही थी स्टिल। तो गाइस हम कर चुके हैं फ्रेश 3 के लिए क्वालिफाई, और भाई ये तो पता नहीं गाइस कैसी कर गए इतना बुरा खेलने के बाद भी, गाइस पता नहीं क्या हुआ पर कर लिया क्वालिफाई गाइस, ये हमारा फ्रेश 3 का 1st राउंड। और गाइस मैं सोच रहा था अब तो गाइस हम इसमें ही बाहर हैं क्योंकि गाइस हम पे आता तो है नहीं खेलने वाला राउंड, तो गाइस इसमें तो हम बाहर होंगे ही। गाइस मेरे को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम कुछ कर पाएंगे, मेरे को लग रहा था ये बंदे आए हैं भाई फ्रेश 3, तो भाई ये बंदे तो होंगे ही तगड़े एकदम, बट गाइस अभी आप देखिए क्या होगा। इस एक बंदा तो भाई पीछे ही रह गया, सबसे पीछे रह गया एक बंदा, और भाई ये 2 बंदे हैं आगे, तो गाइस मैं तो सोच लिया था ये 2 बंदे ही जीतेंगे, बट गाइस जो अभी होने वाला है ना मज़ा ही आ जाएगा गाइस, मतलब हर बार वो मेरे साथ होता है वो आज अपोनेंट के साथ हो गया, भाई ये अपोनेंट यहाँ ठुक गया और मैं क्वालिफाई कर लिया, भाई बेचारा अपोनेंट भाई 2 सेकंड का भाई साइलेंस होना चाहिए उस अपोनेंट के लिए, भाई मेरे को बहुत बुरा लगा उसके लिए, बट गाइस मेरे साथ तो अच्छा हुआ। अब गाइस आ चुका था फ्रेश 3 का राउंड 2, और भाई हाँ एक आ चुका था ऑरेंज W वाला बंदा जिसे देखते ही मैं भाई डर गया एकदम, मैंने सोचा ये तो बड़ा टेंशन की बात है, और भाई ये वाला बंदा वहाँ से नहीं गया, मेरे को लगा ये भी मेरी तरह नूब ही होगा, बट गाइस ये बंदा ये वाला मैच जीत गया था, तो गाइस ये नूब वूब तो है नहीं। और गाइस हाँ भाई हमारे साथ तो स्कैम होने पक्के ही हैं, गाइस देखिए अभी आप देखते रहिए गाइस, अभी गाइस देखिए मैग्नेट देखो गाइस कितनी अच्छी क्वालिटी की है गाइस, ऐसी मैग्नेट खरीदनी है गाइस आपको भी सीधे सही एकदम पास आती सीधे अंदर। और भाई यहाँ देखिए अब गाइस क्या लगता है अब कहाँ से जीतूंगा मैं, बस हल्का सा हगा और गाइस सीधे बाहर।
और गाइज यहाँ हमारी पोजीशन है 154, और गाइज हम एक मैच जीत गए, तो गाइज हमें मिलेंगी 270 जैम। तो गाइज अगर आज की वाली वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, मिलती है कोई नहीं धमकदार से वीडियो में। ओके गाइज, बाय गाइज।